अंदरून मुल्क के लिए। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। ये जी मैनपुरा डिस्ट्रिक्ट का दाखाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिलाल ब्लॉगर। आज के ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करते हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी आज हम जा रहे हैं बाज़ार, कल कुछ काम रह गए थे वो आपको दिखाते हैं, आपसे शेयर करते हैं। अभी हम इधर आए हैं एक्साइज दफ्तर, यहाँ पे बाइक का नंबर लगवाया था तो काफ़ी पुरानी है। ये है एक्साइज दफ्तर, यहाँ पे बैठे ये एक बैठा है भाई, एक ये बैठा है। इनसे 100 रुपये की फाइल बनती है पहले, फिर अंदर जाके नंबर के लिए लगता है नंबर आपका बाइक का। कापी नहीं मिली, इन्होंने कहा कि भाई जान हमने भेज दिया डाखाने में, डाखाने में जाके पता करो आफ्ताब प्लस अहमद से, तो आप उनसे जाके पता करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ अभी हम इधर आ गए हैं मेन डाखाना में। ये जी मैनपुरा डिस्ट्रिक्ट का डाखाना, यहाँ से पता करते हैं, अगर यहाँ ना हुई तो फिर चली गई अपने शहर चौकुंडा। ये रश का शन है, मुझे लगता है कि बंद ना हो यार। क्यों रश खान पाकिस्तान पोस्ट जीती ऑफिस लेटर बॉक्स 9, लेटर बॉक्स 10, लेटर बॉक्स यार। बैरून मुल्क के लिए, अंदरून मुल्क के लिए, ये लोकल डाक के तसतो, ये टाइम लिखा हुआ है जो कुछ इतवार वाले छुट्टी होगी। अब अंदर चलते हैं, अंदर जाके पता करते हैं अपनी फाइल। यार डाकखाना वाले भी कहते हैं कि भाई यहाँ पे भी नहीं आया, उन्होंने कंप्यूटर पे चेक किया है, सारे सर्च किया है, बड़ी हेल्प अच्छे तरीके से पेश आए बेचारे, लेकिन नहीं आए यहाँ पे। अब दोबारा फिर जाते हैं एक्साइज वालों के पास कि यार ऐसे गलत गनी ना करें, सीधा सीधा हमें बताएँ कि हमारा कार्ड किधर है, देना या नहीं देना, किस चक्रों में हमें डाला हुआ। अभी हम बाइक यूनस बाइक ले, अभी फिर हम जा रहे हैं वापस एक्साइज दफ्तर। एक बार फिर हम आ गए हैं हम एक्साइज दफ्तर, वो इनको दिखाते हैं कि भाई वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, वहाँ पे हम तस्वीर बना लाए तो उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे उन्होंने दिखा दिया कि भाई हमारे पास कुछ कोई कार्ड नहीं आया आपका, ना ही हमने आपका कार्ड उठाया है, आप वहीं एक्साइज वालों से पता करो। तो अभी हम फिर दोबारा एक बार फिर एक्साइज वालों के पास पहुँच गए हैं और अंदर जाते हैं उनसे पता करके आप इनको सर खाते हैं एक बार फिर। आज हमने भी सोचा होगा लेके जाना भाई कार्ड जो मर्जी हो जाए। अभी जा रहे हैं अंदर भाई, अब तो हमें कार्ड चाहिए, एक चक्कर तो लगा लिया, दूसरा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट। वो छाँव में खड़ी कर यार, वापस ये यहाँ पे अंदर चलते हैं, यहाँ पे लगती हैं बाइक की कार के सब के नंबर यहीं पे लगते हैं मेरे भाई। आए अगर आप लोगों ने लगवाने हैं तो क्या है कि फाइनली भी हम आपको कल देंगे, आज के लिए माजरत। तो इधर हमारे जानने वाले हैं समद खान चांजा साहब, बहुत अच्छे बंदे हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया अभी जाओ तो कल मैं आपको कॉल करूँगा, कल आ जाएगी फिर आप उठा कर ले जाओ, नंबर शमत दे दिया, तो कल जैसे कापी आएगी तो फिर कल दोबारा आएँगे उठाएँगे। अभी आए हैं हम यहाँ पे ये खत वगैरह बनवाने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आ गए इधर। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक है, कुछ ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? बिलाल ब्लॉगर, मतलब 4-5 साल से हम मुजफ्फरगढ़ रुकते थे भाई, इसी भाई के पास आ रहा हूँ, इसी से सब कुछ करवाता हूँ, कटिंग शेप हर चीज़ हम वेला तो बैठा हूँ, मेरा काम करते मैं उन्हें। बिजली गई नहीं क्या है? लाइटा गए नहीं? हाँ बिजली खत्म, बिजली गई खड़ी है। बिजली एक है ना? हाँ बिजली बिजली कुछ नहीं, अभी 1, 2, 3। फाइनली गाइस बिलाल भाई की कटिंग हो चुकी है इस वक्त, आप देख सकते हैं, और बिलाल भाई से पूछते हैं कि इसकी क्या परिवर्तन। जो भी हो गया हो गया, बस बिलाल भाई का काम हो गया है, पर अब इससे पूछते हैं कि इसकी क्या तासुरात है। बताएं बिलाल भाई, सही बात है। तो कब से यहाँ कटिंग करवा रहे हैं आप? जब से मतलब
चार पाँच साल से, तो हर चीज़ की तरक्की होती है, आपकी क्यों नहीं हुई? महंगाई का दौर है, वाह यार ये बात भी सही है। चले ठीक है फिर। ये हवा में पीछे सो रहा है हाजी, ये हमारी कॉलोनी का इलेक्ट्रीशियन, ये नाम रात यहाँ पे सोया पड़ा है। अगर वहाँ बिजली कोई ख़राब होगी पीछे तो इसको कॉल करेंगे, इसने पता क्या कहना है, मैं बिजी हाँ, मैं इतना कह नहीं पता, मैं काम करने तक खड़ा, ये काम कर रहा है। ये देखो भाई साहब ये क्या गाल है, ऐसे तो कॉल करें तो कॉल नहीं जाना, बिजली ख़राब हो गई तो आराम मतलब पाए इतना सुकून यार। ड्यूटी कितनी कर पत्थर दे सुता पे आराम नाल, आवाम बिजली होवे ना होवे हाजी तक क्या, हाजी दी ड्यूटी चलदी है। हमारा खत छत हो गया तो बिजली भी आ गया, क्या पहले हम बना रहे थे बिजली नहीं थी। तो इस टाइम गेट में इंटर हो रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं इस बंदे की शक्ल देखें ज़रा, ये बंदा जो है ना दिन में हम 5 बार हैं, 10 बार हैं, रात को 12 बजे हैं, 1 बजे हैं, ये बंदा हमें लाजमी मिलता है। तो यहाँ इस वक्त अब्दुल्ला भाई आ चुके हैं फिर, वाह यार। अगले संडे इंशाल्लाह फिर पतंगबाजी का मुकाबला होगा, उम्मीद है आप लोगों ने व्लॉग बहुत अच्छे से देखा, मैंने देखा है बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, इंशाल्लाह अगली बार फिर हम लगाएंगे मुकाबला। ओके सर, आपको याद होगा कि कल वाले व्लॉग में हम भाई को देखे गए थे अपनी पढ़ाई के लिए। बिलाल भाई, बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर, तबीयत से ठीक है आपकी? भाई को अपने ये जगह बताया कि बिल्कुल ऐसे ही बना रहे हैं पेंट मसले रेडी कर रहे हैं। शाम हो गई तो अभी आ गए हम घर और आज के ब्लॉग का करते हैं पे एंड, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके अल्लाह हाफिज़।